तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पुराने म्यूजिक सिस्टम या फिर पुराने स्पीकर्स 2.1, 4.1 या फिर 5.1 को आप आजकल के स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट करके सुन सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमितेंद्र है और आप देख रहे हैं टेक्नो चैटों बात काम की। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले टेक्निकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास पुराना होम थिएटर सिस्टम है या फिर पुराने स्पीकर्स हैं और आप उनको आजकल के स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं और आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उसका एक रीजन ये है क्योंकि जो पुराने जो स्पीकर्स हैं या जो होम थिएटर सिस्टम है उनमें केवल RCA इनपुट का ऑप्शन होता है। तो RCA केबल कौन सी होती है, वो कुछ इस तरह की होती है। तो ये केबल के थ्रू आप अपने सिस्टम्स को टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है क्योंकि आजकल के स्मार्ट टीवी में RCA आउटपुट का ऑप्शन जो है टीवी में नहीं आता, उसमें केवल आपको ब्लूटूथ या फिर आर्क का ऑप्शन मिलता है जो HDMI के थ्रू रन होता है। लेकिन आपके पास जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है, तो आप इन स्पीकर्स को अपने टीवी के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहले तो आपको ये ब्लूटूथ डिवाइस जो है मार्केट से परचेज करनी है। ये मार्केट में आपको 400 से 500 रुपीज में इजिली मिल जाएगी और उसके साथ आपको ये केबल परचेज करनी है। इसमें एक साइड जो है RCA का ऑप्शन है जिसको हम ऑडियो वीडियो बोलते हैं, और इसकी एक साइड में आपको 3.5 mm की ऑडियो जैक मिल जाएगी। तो ये दोनों चीजें आपको चाहिए पुराने स्पीकर को नए स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो आइए पहले ये समझते हैं कि इन दोनों चीजों को हम पुराने स्पीकर्स में कैसे सेटअप करेंगे। तो मेरे पास ये इंटेक्स का 5.1 का स्पीकर्स है, तो ये ओल्ड मॉडल है, इसमें ना ही ब्लूटूथ का ऑप्शन है ना ही आर्क का। तो हम इसमें जो है ये ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। तो इसमें नीचे यहाँ पे USB पोर्ट दिया हुआ है, तो इस डिवाइस को हमको इस स्पीकर के USB पोर्ट पे लगाना है सप्लाई के लिए, यानी कि इसको हमको पावर देनी है इस डिवाइस को। तो अगर आपके स्पीकर्स में USB का ऑप्शन नहीं है तो आप एडाप्टर से भी पावर दे सकते हैं। मार्केट में आपको ऐसे एडाप्टर मिल जाएंगे जिसमें USB पोर्ट के थ्रू आप उसमें सप्लाई दे सकते हैं। इसको हमको केवल इसको सप्लाई देनी है। तो अगर आपके स्पीकर में USB पोर्ट का ऑप्शन है तो हम सप्लाई देने के लिए इसी में इसको प्लग कर देंगे। तो मैं इसमें इसको लगा देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो केबल है, तो ये जो केबल है ये इसके 3.5 mm जैक में लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं जो ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब इसको पावर मिल चुकी है। अब हमारे पास एक साइड ये बच जाएगी जिसको हम RCA बोलते हैं या फिर ऑडियो वीडियो भी बोलते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम स्पीकर के जो स्पीकर के बैक साइड में ऑक्स का ऑप्शन होता है इनपुट के लिए, हम यहां पे इसको कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस तरह से। तो अभी क्या है, हमारे जो स्पीकर में जो इंस्टॉलेशन थी केबल की और ब्लूटूथ डिवाइस की, ये कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए आपको टीवी में क्या सेटिंग करनी है। इसमें आपको सेटिंग्स में जाना है, ये एंड्रॉयड टीवी है और इसमें हम जो है इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एडिशनल सेटिंग एक ऑप्शन मिलेगा। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपको यहाँ सबसे नीचे रिमोट एंड एसेसरीज की एक ऑप्शन मिलता है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लूटूथ डिवाइस को ऐड करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐड एसेसरीज वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। अब ये देखिए हमको यहाँ पे ये सर्च करके बता रहा है कि ब्लूमी के नाम से एक ब्लूटूथ डिवाइस अवेलेबल है। तो ये जो डिवाइस हमने अभी लगा रखी है अपने स्पीकर में उसी को यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस पे हम ब्लूमी वाले ऑप्शन पे आके टैप करेंगे, पेयर करना है इसको, तो पेयर पे टैप कर देंगे। तो ये हमारी जो डिवाइस है ये हमारे टीवी से कनेक्ट हो चुकी है। अभी हम इसमें कोई भी जो ऑडियो प्ले करेंगे टीवी में वो हमारे स्पीकर से उसकी आउटपुट आएगी। तो अभी हम स्पीकर की जो पावर है वो ऑन कर लेते हैं।
और इसको एलोक्सरी मोड पे ले आते हैं। ये देखिए एयू लिखा रहा है, तो यानी कि एलोक्सरी मोड पे आ चुका है ये। तो आइए अब टीवी पे हम कोई भी वीडियो एक प्ले करके देखते हैं। तो ये अभी आप सुन सकते हैं, ये जो ऑडियो आ रही है ये 5.1 की है। तो ये जो हमारी जो डिवाइस है ये प्रॉपर वर्क कर रही है स्पीकर्स के साथ, और हमारी जो टीवी की किसी भी तरह की आउटपुट होगी, यानी कि किसी चैनल की, यूट्यूब की, वो आपको अपने स्पीकर से सुनाई देगी ब्लूटूथ के थ्रू। तो इससे होगा क्या कि जो पुराने स्पीकर्स हैं वो भी आपके यूजेबल हो जाएंगे, आप उसमें ऑडियो सुन सकते हैं बढ़िया 5.1 या 4.1 में। तो ये तो 5.1 की आवाज थी, अभी मैं आपको नॉर्मल टीवी की आवाज भी सुना देता हूँ कैसी है। ये टीवी की ओरिजिनल आवाज थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस हो जाता है ऑडियो में अगर एक्सटर्नल स्पीकर का यूज ना कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप अगर अपने पुराने स्पीकर्स को ब्लूटूथ डिवाइस से अपने टीवी से कनेक्ट करना चाहेंगे तो आप इस वीडियो को देख करके इजीली इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो काम का लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आप मेरे चैनल टेक्नो चैट रूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।